हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं सारी बकरियाँ और भेड़ और गाय, मतलब जो भी काम करना होता है सबको दिखाऊंगा। क्या क्या सफाई करना होता है वो भी दिखाऊंगा। और चलिए वहीं पे चल के सब कुछ दिखाता हूँ, मतलब कि हर एक चीज़ दिखाऊंगा और सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ सब दिखाऊंगा। तो चलिए, अभी तो हूँ मैं रूम पे और दोपहर का टाइम है फ्रेंड्स। अपने टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ। खाने का और सोने का टाइम है। तो यह है हमारा दरवाज़ा जो कि खोल के मैं निकलता हूँ बाहर। और आइए, अभी इधर है मजरा कह सकते हैं, मतलब बकरियों का रहने का घर है फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और एक बार वीडियो में मैं दिखाया था, इस गाड़ी के पीछे जो रूम है उसमें रहता है बहुत सारा सामान बकरियों को खाने के लिए। बकरियाँ तो अभी चिल्लाएंगी, ये लोग समझेंगे कि मैं इनको खोलने आ गया। पर अभी टाइम है फ्रेंड्स एक डेढ़ घंटे का, उसके बाद इन लोगों को खोलूंगा 2 बजे के टाइम में। तो इसको मैं बंद कर लूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो बकरियाँ हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ हर एक चीज़। देखिए वहाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके लास्ट तक मैं वहाँ तक दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए, सऊदी अरब में पैसे इतने आसानी से नहीं कमाए जाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं ऐसे भी जो आसानी से पैसे कमा रहे हैं, जैसे इंजीनियर फोरमैन लोग। लेकिन हाँ, उन लोगों का भी लाइफ मैं देखा हूँ, दुबई में रहा हूँ 5 साल, बहुत टेंशन होती है ऊपर से। तो ऐसे मतलब बदबू में तो नहीं रहते हैं, पर टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ जो है बकरियाँ रहती हैं, भेड़ भी रहती है। यहाँ पे समय है इन लोगों का 2 घंटे का, मतलब अभी भेड़ अंदर गई है, चलिए वो भी दिखाऊंगा। और ये दोपहर में यहाँ पे रहेंगी, इनको खोलूंगा तो ये सब बाहर जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी वो भी आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे मैं घास काट करके ला के रखा हूँ, सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसको जो अगर सफाई करने के लिए अगर कहा जाए, मतलब सोचते होंगे आप लोग, तो ये सफाई खैर मुझे नहीं करना है। अभी तक तो मुझे यही बताया गया कि इसका सफाई बॉबकॉट, एक छोटा सा गाड़ी आता है वो करता है। आइए अभी पहला दरवाज़ा खोलता हूँ। जो ये बकरियाँ हैं ना, इनके बच्चे हैं, तो दिखाऊँ आप लोगों को। इसको फ्रेंड्स पहले मैं बंद कर दूँ। अभी देखिए, एक रूम में घुसा हूँ। उसके बाद ये भी एक रूम है, जो कि अगर ज़्यादा हो जाए बकरियाँ तो इसमें भी रहती हैं। इसका यहाँ पे दरवाज़ा है टेम्परेरी वाला। और ये सब बकरियों का बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे मैं डाल दिया था सुबह में। देखिए, इसका सफाई कर दिया हूँ। और सफाई किस से करता हूँ फ्रेंड्स, ये आपको दिखा दूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। इससे ऐसे ऐसे बाहरता हूँ, ये देखिए ऐसे सब कुछ आ जाता है। ये है खजूर का, मतलब ये जिसमें खजूर फरता है वही चीज़ है, मतलब जिसमें खजूर फरता है फ्रेंड्स वही चीज़ है वो, बहुत मतलब मजबूत होता है। तो इन लोगों को यहाँ खाने के लिए डाल दिया था। और इन लोगों को पानी अभी नहीं पीने के लिए दिया जाता, क्योंकि इन लोगों को अभी दूध पीने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे बरसिन डाल दिया था, अभी खाली है सब। और यहाँ पे इन लोगों का चारा। और फ्रेंड्स, जो भी बकरियाँ बच्चा दे देती हैं वो बकरियाँ यहाँ पर रहती हैं। और बच्चा थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो फिर इधर आ जाएगा, बकरियाँ बाहर चले जाएँगे। तो इसका बच्चा भी देखिए इधर बड़ा हुआ है, छोटा सा। तो 10-5 जो जितनी भी बकरियाँ अगर बच्चा दे देंगी तो वो इसमें रहेंगी। और इसका ये दरवाज़ा है फ्रेंड्स। और उसके बाद इधर भी देखिए, इधर भी एक दरवाज़ा है। ये वाला रूम तो आप लोग देखे ही होंगे। अब मैं आया हूँ उस दरवाजे से। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि कितना सारा रूम है। और जहाँ भी बकरियाँ रहेंगी सब कुछ साफ़ करना है उसी बंदे को जो यहाँ पर काम करेगा। मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ही साफ़ करना है। तो ये और एक दो हो गया, और एक ये 3, 1, 4, मतलब कि 4 हुआ, जिसमें से 2 मुझे साफ करने हैं, 2 हमेशा बंद रहता है। चलिए अभी दूसरे में चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इधर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एक लाइन से मैं चल रहा हूँ, वहाँ से दरवाजे से आया हूँ ना, यहाँ पे बकरियाँ खड़ी है, ये इसके अंदर गया था। अभी इसका मैं दिखा दूँ तो एक छोटा सा रूम है जिसमें लोगों को जौ है और चोकर है, सब खाने वाने के लिए सामान इसमें रखा गया है। मैं इसको अच्छे से बांध रखा हूँ, नहीं तो बकरियाँ ना अपने मुंह से खोल के खा लेती हैं सब। और खा के एक बार 5 बकरियाँ मर गई थी जब मैं नहीं था यहाँ पे, वो मिश्री रहता था फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, इसमें लोग पानी वानी पीती हैं, यहाँ पाइप लगा हुआ है। आइए अभी इसके अंदर घुसते हैं। यहाँ एक बार फिर दिखा दो फ्रेंड्स, मैं इसमें देखिए यहाँ से जा रहा हूँ, इधर भी दिखा दिया हूँ और अभी इसमें घुस रहा हूँ। तो इसमें घुस गया तो पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोगों को लाइन बाय लाइन से। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खुरूप बोलते, मतलब भेड़ा है।
भेड़ का बच्चा है, जो भेड़ है सब इसमें रखे हुए हैं और उसमें वो लोग खाते हैं। और वहाँ देखिए एक छोटा सा रखा हुआ है पानी पीने के लिए, और उसमें सईर, इसमें सईर खाते हैं और उसमें बरसीन खाते हैं सब। इसको भी सफाई करना होता है। और बकरियों को शाम को दूध इसमें निकालता हूँ तो ये भी 5 दिन पे 6 दिन पे साफ़ करना होता है। बाकी जिसमें बच्चे हैं वो डेली साफ़ करना पड़ता है, और जिसमें बच्चा दिए बकरियाँ जिसमें रहती हैं वो भी डेली साफ़ करना पड़ता है। अभी चलिए इसके अंदर मैं चलता हूँ, जो कि इसी घर के अंदर से ये दरवाज़ा है फ्रेंड्स, इसका देख रहे होंगे दरवाज़ा कैसे लॉक होता है। तो अभी मैं इसमें आ गया। तो ये भी एक घर है जिसमें ये छोटे भेड़े रहते हैं, ये भी भेड़े हैं सब, भेड़ के बच्चे हैं सब। तो ये भी मुझे साफ़ करना होता है यहाँ से लेकर के वहाँ तक। और इसमें ये लोग सैर खाते हैं मतलब चोकर, और उसमें बरसीन खाते हैं और उसमें पानी पीते हैं, जो कि वहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ देख सकते हैं। और ये फ़िलहाल में अभी खाली है फ्रेंड्स। और फिर इसके इधर मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये खोलूँगा नहीं, ये लोग देखिए कैसे डर रहे हैं सब, ये देखिए। तो यहाँ इन लोगों को पानी रखा हुआ है पीने के लिए, जो कि ये पाइप आया है, और उसमें भी इन लोगों का दाना पानी दिया जाता है खाने के लिए। और ये है सब भेड़, यहाँ देखिए फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से लेकर अभी देखिए इसको दोपहर के बाद मैं सफाई करूँगा, दोपहर से पहले मैं घास काटता हूँ और बकरी के जो बच्चे हैं वहाँ सफाई करता हूँ। जो भेड़ बच्चे दिए हैं वो भेड़ अलग रहती हैं, और ये लोग अभी कोई गाभिन है और कोई मतलब कोई ऐसे बिना बच्चे वाली हैं सब, या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं जैसे ये सब बच्चे हैं, तो ये सब हैं सब। और वहाँ से लगाई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा सा जूम करूँ, उस गेट से लगाई देख सकते हैं। और ये पूरा मुझे साफ़ करना है एक अकेले बंदे को। तो चलिए यहाँ तक तो मैं दिखा दिया, अब इसके उधर कुछ भी नहीं है और इसके इधर अभी है। चलिए वो भी दिखाता हूँ, अभी गाय भैंस वाला हर एक चीज़ अभी बाकी है फ्रेंड्स। इसको मैं लॉक कर दूँ नहीं तो ये लोग निकल जाएंगे ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए अभी इसके साइड वाले में दिखाऊँ, तो अभी देख सकते हैं ये वहीं से मैं निकल के आया हूँ, मतलब अपने रूम से आया हूँ। तो यहाँ और इसके इधर सब आपको दिखा दिया, और अभी घुसता हूँ इसमें, अभी इसमें घुसूँगा। तो ये किस चीज़ का घर है, ये आप लोग शायद देख के समझ रहे होंगे कि ये किस चीज़ का घर है। ये मुर्गा, ये मत समझिएगा कि मुर्गे का घर है, ये है गायों का घर जिसमें गाय रहती है फ्रेंड्स। 5-6 गाय हैं जिसमें से 4 रहती हैं जो दूध देने वाली रात में यहीं पे रहती हैं, और उन लोगों का ये पानी पीने के लिए जगह है, इसमें पानी वो लोग पीते हैं। और गलती से आज मैं पानी खोल के भूल गया फ्रेंड्स, मैं काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, और पानी खोल के भूल गया, और इतना बड़ा गलती हुआ कि ये देखिए पानी कैसे निकल के यहाँ तक चला आया, जो कि मैं बाल्टी से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के सब साफ़ किया हूँ। ये सब देख सकते हैं, ये सब मतलब मुझे ही साफ़ करना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लगाई कैमरा अगर घुमा दूँ तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं इस गेट से बाहर निकलूँगा और गाय भैंस कहाँ पे है वो भी दिखाऊँगा। तो ये सब साफ़ किया हूँ, मतलब कि अभी उतना अच्छा से साफ़ नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं अकेला आज फर्स्ट टाइम काम किया हूँ, नहीं तो हम लोग 2 आदमी काम करते थे, और काम देख ही रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा है। तो साठ काट में मारना पड़ेगा, नहीं मार पाएगा आदमी तो नौकरी छूट जाएगी। और ये जो रूम है, अभी देखिए मैं कई रूम आप लोगों से नहीं दिखा पाया फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर मैं घुसा तो एक ये रूम देखिए, यहाँ भी कुछ रखेगा ही, ये देख सकते हैं, पर अभी खाली है। और इसमें जो घास रखा है गाय इसमें खाती हैं सब, और इसमें चोकर दिया जाता है। और ये भी एक रूम है, ये भी खाली है, हो सकता है कि आगे चल के मेरे लिए काम थोड़ा और भी बढ़ाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। और ये जो रूम है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं इसमें गाय का एक बच्चा है, मतलब बाछी है, और वो इसमें रहती है। अभी चलिए यहाँ से मैं निकलूँ बाहर और बाहर दिखाऊँ आप लोगों को गाय भैंस। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जी, बाहर इन लोगों का घर है, और इन लोगों का अंदर से मैं चलूँगा दिखाऊँगा आप लोगों को। तो ये गाय कैसी हैं सब यहाँ की, तो आइए यहाँ देखिए। ये भी सफाई नहीं करना है मुझे, क्योंकि इसका सफाई करूँ तो मैं मर ही जाऊँगा, 1 महीने तक साफ नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऐसे डायरेक्ट घुस जाता है फ्रेंड्स, वो क्या बोलते हैं बकट छोटा वाला गाड़ी, और नीचे से ऐसे पेस के उठा के सफाई कर देता है। तो ये है गाय हैं सब, जो कि अभी
मैं नया नया आया हूँ ना, तो मुझसे थोड़ा सा डरती हैं सब, और किसी का भी पगहा मतलब गले में नहीं लगा हुआ है। ये भी गाय है, ये दूध देती है, और ये सुनने में आ रहा है कि ये गाभिन है, और ये है फ्रेंड्स ये मतलब कि ये बाछा है या मतलब कि सांड है। हाँ, और वो भी गाय है। इसको नीचे से अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, बेचारी थोड़ी बूढ़ी हो गई है लेकिन दूध बहुत अच्छी देती है। और ये जो काली वाली है ये है बाछी, ये भी ये बाछी है फ्रेंड्स। और उधर वाली जो गाय है, देखिए एक ये गाय और एक वो वाली गाय, दो गाय और एक ये तीन गाय, तीन गाय फिलहाल दूध दे रही हैं सब। और उसके बाद जो ये जो है बाछी है और वो है गाभिन है, पाँच हो गया, और ये है मतलब सांड। ये लोग इसमें पानी पीते हैं, और इसमें मैं घास काट के देखिए दे दिया हूँ, इसमें इसमें हर जगह पे, और इसमें भी दिया था, सब खा लिए सब। और चलिए बाहर निकलते हैं, ये भी घर बनाया हुआ, पता नहीं इसमें क्या रहता है क्या नहीं है, मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं घास ज़्यादा काट दूँ तो घास ला के इसमें रखना पड़ता है, और इतना मतलब जीव जानवर हैं कि मैं ज़्यादा काट ही नहीं पाऊँगा कि इन लोगों को खाने से बच जाए, समझ रहे हैं ना, उतना काट ही नहीं पाता हूँ। चलिए अभी और भी दिखाता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, इधर भी है ना, अभी इधर भी है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काम और भी है। देखिए इस वीडियो को जो नए भाई लोग देख रहे हैं, मतलब जिनके मन में अगर ये रहता हो कि हाँ सऊदी अरब में पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, पर ऐसी बातें नहीं है, यहाँ पे तो काम वो कराया जाता है फ्रेंड्स कि लोग जो सोचे भी नहीं होंगे। मैं भी जब आया था तो इतना काम करता हूँ ना, स्टार्टिंग में देख के डर गया, पर करते करते भी धीरे धीरे आदत बना रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं मिस्त्री के आगे थोड़ी हार मान लूँ कि हाँ मैं कर ही नहीं पाऊँगा, और कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी अगर काम न कर पाने की वजह से मुझे इंडिया भेज दिया जाए। तो अभी देखिए मैं इसके अंदर घुस रहा हूँ, ये है देखिए, इसमें बरसीन वरसीन ला के टेम्परेरी में रखता हूँ, क्योंकि बड़ा वाला जो हमारा वो घर है उसमें बरसीम ज़्यादा रहता है, मतलब गोदाम की टाइप है वो, उसमें बरसीम ज़्यादा रहता है। इसमें मैं इसलिए ला के रख लेता हूँ कि एक दो की ज़रूरत पड़े तो मैं ला के रखा रहा हूँ। अभी आइए और भी भेड़ दिखा रहा हूँ जिनके बच्चे हैं सब। अभी मैं इसके अंदर घुसूँ और इसको पहले बंद करूँ, नहीं तो फ्रेंड्स ये सब एक ही में मिल जाएंगे। अभी देखिए दोपहर के बाद में मैं दिखाया था उस वाली भेड़ का सफाई करना है, और ये देखिए ये कैसे बना रखी है सब, ये देखिए डेली बाई डेली सफाई करना पड़ता है। ये जानते किस लिए आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है कि मतलब इसकी माँ को मैं पकड़ूँ तो ये दूध पिएगा। और यहाँ देखिए ये पानी भर के रख देता हूँ और इसमें बरसीन डाल देता हूँ, और उसके बाद भी उधर भी एक घर है, देखिए दरवाज़ा है खुला हुआ, उधर भी ये लोग जाके रहते हैं, तो उधर भी सफाई करना होता है। चलिए अभी एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, बाहर जहाँ पे बकरियाँ और भेड़ खोल देता हूँ तो एक ही साथ में घुस जाती हैं और जा करके वहाँ पे खाती है, और टाइम पे जैसे मैं गेट खोलता हूँ सब लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं। तो भी देखिए इतना सारा काम था फ्रेंड जो कि मुझे करना है, और तब जा कर के 30-31 हज़ार रुपया इंडिया का होता है खिला पिला करके, तो समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत है फ्रेंड, पर कोई बात नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं ना, कोई काम तो नहीं रुक रहा है। आइए और दिखाता हूँ बाहर का जगह जहाँ पे इन लोगों को खोलने के बाद सब एक साथ में जाके खाती हैं सब। फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा देख रहे होंगे आप लोग, बहुत मस्त है एकदम, ऐसी जगह पे आए हैं ना कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो वो वाला जो घर है नज़दीकी से जाऊंगा तो पूरा नहीं दिखेगा, और मैं घास काट के गाड़ी घुसा के उसमें पूरा घास डाल दिया हूँ, ये देख सकते हैं दिख रहा होगा, मतलब कि इस बगल से लेके और देखिए वहाँ तक उस बगल तक मैं पूरा घास डाल दिया हूँ। तो यही था फ्रेंड्स काम जो कि मुझे करना होता है, सारा काम आप लोगों को दिखा दिया, अगर कुछ छूटा होगा ना तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हाँ सुबह से लेकर शाम तक मतलब करता क्या हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, तो आइए वो भी बताता हूँ। फ्रेंड्स अभी आ गया मैं अंदर और चल रहा हूँ अभी रूम में, देखिए फ्रेंड्स सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ ये एक बार शॉर्टकट में बता दूँ, क्योंकि हर चीज़ को अगर मैं करके दिखाऊँ ना तो उस पर अच्छा खासा एक काम पे एक वीडियो बनेगा, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करना होता है। देखिए जैसे मैं सुबह में उठा
जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद जैसे जाता हूँ ना, पानी उनी बरस वरस कुछ भी नहीं, सीधे निकल जाता हूँ वहाँ पे बकरियों के पास। सबसे पहले फ्रेंड्स चोकर डालता हूँ गायों को, और चोकर डाल के तुरंत दूध निकालता हूँ। दूध निकालने के बाद तुरंत बकरियों का दूध निकालता हूँ। वो दूध निकालने के बाद बच्चों को दूध पिलाता हूँ। वो करने के बाद तब तक ये गाय का जो बच्चा दूध पी लिया होता है उसको बाहर ले जाके करता हूँ, मतलब चारों गायों को और बच्चे को जहाँ पे मैं दिखाया हूँ वहाँ पे बंद कर देता हूँ। फिर जहाँ पे छः छः गाय अभी दिखाया हूँ वहाँ पे छः हो जाती हैं, और वहाँ पे लोगों को खाने के लिए जो घास काट के रखा हूँ तो वो दे देता हूँ। अगर घास काट के नहीं रखा हूँ तो फिर बरसिन जो अंदर रखा हुआ है तीन चार मतलब कि बोझा ले जाके डाल देता हूँ, वो लोग खाती हैं। उसके बाद फिर दौड़ के आता हूँ अंदर बकरियों के बच्चों को, मतलब दूध पिलाने के बाद उन लोगों का दूध उत्सव निकाल के दूध ले जाकर पहुंचा देता हूँ कपिल के घर। उसके बाद आता हूँ तो देखता हूँ सबका पानी तो है ना, जिसका पानी नहीं रहता उन लोगों को पानी देता हूँ पीने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स वो जो बकरियाँ देखे हैं, बकरियों को और उधर वाली भेड़ को जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, खोलता हूँ तो वो लोग जो लास्ट में दिखाया हूँ घर जहाँ पे घास डाल के आया हूँ उसमें घुस जाती हैं सब। उसमें घास रखा रहता हूँ मैं एडवांस में, तो वहाँ जाके वो लोग खाती हैं और खाने वो लोग खाने लगती हैं। उसके बाद मैं आता हूँ जल्दी जल्दी ब्रश व्रश करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं खाना खाता हूँ थोड़ा सा। खाना खाने के बाद तुरंत गाड़ी लेके निकल जाता हूँ मजरे में, मजरे में जाता हूँ घास काटता हूँ। घास काटते काटते समझिए कि 11 साढ़े 11 हो जाता है। आता हूँ रूम पे, वो घास को उतारता हूँ। उतारने के बाद फ्रेंड्स एकदम थक जाता हूँ। उसके बाद आता हूँ रूम में, वही जो दूध रखा रहता हूँ पीने के लिए फ्रेंड्स, वो दूध पी लेता हूँ। उसके बाद सुकून से अपना 1 आध घंटा सोता हूँ। उसके बाद फिर जग जाना है और फिर वही काम दोहराना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जानवरों को देखने में देखभाल करने में काम तो बहुत सारा होता है, इतना भी बताऊँ तो कम ही रहेगा। और चलिए अभी तो हूँ यहीं पे, और धीरे धीरे आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर इतनी मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, और उतनी मेहनत करने के बाद ये दोपहर का टाइम है खाना खाने बनाने का, तो इस टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो को एडिट करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। तब तक मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं ड्यूटी में चला जाऊँगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोगों का दिल थोड़ा भी पसीज जाए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।